आज हम बनाने वाले हैं कटहल के बीज के सब्ज़ी, जो कि जुलाई से अगस्त वाले महीने में बहुत ही आसानी से ये सब्ज़ी मिल जाता है और इसका सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी बनाने के लिए 250 ग्राम कटहल के बीज ले लिए हैं। तो कई लोग इस बीज को इसी तरह से छिलका के साथ ही बनाना पसंद करते हैं और कई लोग इस छिलका को उतार करके ऐसे ही समूचा ही बनाते हैं, लेकिन हम इस कटहल के बीज को पहले छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे और उतारने के बाद बीज से इसे काट लेंगे और तब बनाएंगे, क्योंकि समूचा बनाने और छिलका के साथ बनाने से सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है बीज से फाड़ कर बनाने में, क्योंकि बीज से फाड़ कर जब हम बनाते हैं सब्ज़ी तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीज का छिलका हम उतार लेंगे। तो इस तरह से चाकू से हम हल्का सा कट करेंगे और इसे नाखून से इस तरह से हम उतार लेंगे। ये देखिए, इसका छिलका उतारने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ये फटाफट निकल जाता है। तो यहाँ पर हम सारे बीज से छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसे बीज से इस तरह से काट लेंगे, इसी तरह से सारे बीज को हम काट लेते हैं। तो यहाँ हम सारे बीज को दो भागों में काट लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसे साइड में रखते हैं और सब्जी का मसाला हम पहले बना लेते हैं। तो मसाला में हम यहाँ पर ले लिए हैं लहसुन, और ये हम 5 से 6 हरा मिर्च ले लिए हैं, और छोटा चम्मच या 1 चम्मच जीरा ले लिए हैं, और यहाँ पर 8-10 काली मिर्च ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 इलायची, और यहाँ पर 2 टुकड़ा हम दालचीनी का ले लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम महीन पेस्ट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर मसाला को अच्छे से महीन पीस लिए हैं। तो अब हम सब्ज़ी बनाने चलते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो सब्ज़ी को लगभग हम 1 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी हम डालेंगे, और डाल के इसे हम 4 से 5 मिनट भून लेते हैं अच्छे से। तो लगभग हम इसे 4 से 5 मिनट भून लिए हैं और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इस बचे हुए तेल में ही थोड़ा सा और तेल डालेंगे। अब तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा, जो कि इस तरह से हम क्रश करके डाल लेंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे और साथ में हम 1 प्याज कटा हुआ डालेंगे, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाला। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए डाल रहे हैं, और इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम 1 टमाटर डालेंगे कटा हुआ, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। देंगे नमक स्वाद अनुसार, जो याद रखिएगा पहले भी हम कटहल के बीज में नमक डाले थे, तो थोड़ा ध्यान से हम इसमें नमक डालेंगे। तो मसाला को हम अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए बीज। तो इसमें डालकर हम इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो कटहल के बीज को भी डाल के हम यहाँ 2 मिनट भून लिए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब पानी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं बनाना है। ये सब्ज़ी लटपट ही अच्छा लगता है और अच्छा बनता है। अब इसे हम ढक करके 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट तक इस सब्ज़ी को हम पकाए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं।
लो से मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाए हैं। ये देखिए, तो हम इसे चेक करते हैं ये पका है कि नहीं। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब ये बनकर रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब हम इसमें डाले हैं, और इसे डालकर हम एक मिनट तक ढककर पका लेंगे। तो गरम मसाला डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक अच्छे से पका लिए हैं। अब ये देखिए, बनकर बिल्कुल रेडी है, ये खाने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं और 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे तो और ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह से लटपट बनाना है, ज़्यादा ग्रेवी रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ये सब्ज़ी, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे दाल, चावल और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस तरह से बनाकर खाकर ज़रूर देखिए। तो लीजिए, सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।